Assalamualaikum Nazreen, this is Ash Imran Sajan here from Genius Records. और एक बार आपको फिर अपने प्रोग्राम Genius with Ash में खुश आमदीद कहते हैं. जैसा कि आप देखते हैं और जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि जीनियस होते हैं, अपनी फील्ड में मास्टर होते हैं. और कोई शायर होता है, कोई एक्टर होता है, कोई सिंगर होता है, कोई जो भी शख्स होता है हमारे यहाँ पे वो जीनियस होता है. तो हम उससे जानते हैं कि वो किस तरह इस जगह तक पहुँचा, उसने कितनी मेहनत की और उसका फन आपके सामने लेकर आते हैं. आज भी हमारे साथ एक जीनियस आर्टिस्ट मौजूद है, वो भी मल्टी टैलेंटेड है और एक साथ काफ़ी सारे काम करती हैं शो बिजनेस के हवाले से. तो उनको बेसिकली सिंगर है वो, लेकिन वो होस्टिंग भी करती हैं और उसके साथ वो जो जो काम करती हैं वो आज हम उनसे पूछेंगे, जानेंगे और सुनेंगे उनकी खूबसूरत आवाज़ को. हमारे साथ मौजूद हैं आयशा अली. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आयशा? अल्लाह का नाम शुक्र है. क्या हो रहा है आजकल? बस शोज हो रहे हैं. ग्रेट. तो आयशा सिंगिंग भी करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं, और क्या क्या करती हैं? इसके अलावा मैं ड्रामों में एक्टिंग भी करती रही हूँ. लेकिन थोड़ा सा टाइम का इशू था वहाँ पे, तो इस वजह से मैंने ड्रामे छोड़ दिए. अब लाइव शोज में होस्टिंग करती हूँ, इसके साथ साथ सिंगिंग करती हूँ. वाओ ग्रेट. तो आयशा सिंगिंग का शौक कब से हुआ और कहाँ से शुरू की? सिंगिंग का शौक तो बचपन से था और स्कूल कॉलेज में पार्टिसिपेट करती रहती थी. फिर एक्चुअली मेरी शादी हो गई, शादी के बाद बच्चों के बाद घरदारी. लेकिन माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं तो ये है कि वो जब दोबारा जी जाग गए हैं, बस शुरू हो गए. वो जो सो गए थे जब वो दोबारा जागे, वो शौक दोबारा फिर जी जी. उसने कहा कि जी आयशा जी, बहुत आपने घर संभाल लिया, बच्चे संभाल लिए, अब अपने शौक को भी टाइम दीजिए. तो फिर बकायदा सीखा कहीं से? हाँ जी जी बिल्कुल. अब सीख रही, पहले शौक किया गाया और अब सीख रही हैं. तो अच्छा, नॉर्मली किस तरह की कलेक्शन या किस तरह के सिंगर्स आप सुनना पसंद करती हैं या गाना पसंद करती हैं? किस तरह के सिंगर्स को सुनती हैं आप बेसिकली, पहले ये बताइए. मैं तो सभी को सुन लेती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे थोड़े से शोक चंचल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं. अच्छा, परफॉर्मेंस जैसे माशाल्लाह आप देख सकते हैं नाज़रीन के आयशा के चेहरे पे इतनी एनर्जी है और इनकी स्माइल में इतनी एनर्जी होती है. नॉर्मली जब ये शो में जाके सिर्फ खड़ी होती हैं होस्टिंग के लिए या गाने के लिए, तो ऑडियंस वैसे ही फ्रेश हो जाती है आपकी स्माइल देख के. जी यही कहते हैं लोग. जी जी बिल्कुल. ऐसा है कि मैंने जब भी आयशा को गवाया है किसी जगह या इनके साथ परफॉर्म किया है या इनके साथ प्ले किया है, तो अगर मेरा मूड डाउन भी होता है तो इनकी गाने में इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है, इतना इंटरेस्ट होता है, इतनी एनर्जी होती है कि वो जो थका हुआ आदमी भी होता है या जो लेजी होता है वो भी फ्रेश हो जाता है और एक्टिव हो जाता है बिल्कुल. तो आज अब पहले गाने के तौर पर हम पहला गाना स्टार्ट लेंगे, एपेटाइजर से शुरू करेंगे. तो क्या हमारे नाज़रीन को आप सुनाएंगे? मेरा भी एक फेवरेट पंजाबी सॉन्ग है और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो अहबाब हैं, हल्का अहबाब है, उसमें बहुत ज़्यादा मुझसे फरमाइश की जाती है जिस सॉन्ग की, तो वो मैं सुनाने लगी हूँ. चलें देखते हैं कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो इनका भी फेवरेट है और इनके जितने दोस्त और सुनने वाले और फैंस हैं वो भी उसी गाने को सुनना चाहते हैं और उस गाने को गाकर इनका मूड अच्छा हो जाता है. तो फिर यकीनन आगे आने वाले गाने और आगे आने वाला प्रोग्राम बड़ा अच्छा होने वाला है. तो आयशा से सुनते हैं इनका फेवरेट गाना, जो मुझे तो पता है आप लोग अब सुनेंगे.
खूबसूरत गाना सुनाया, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, और इसकी शायरी पे भी हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम में आगे। तो अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और फिर वापस आके आपको सुनाते हैं दूसरा गाना। ये गाने में था कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकती, लेकिन आप भी हमारे बगैर रहिएगा नहीं। हम दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे ब्रेक में मिलते हैं। ठीक है,